जरूर सोचना चाहिए। एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो नौजवान बहुत ही ईमानदार था, पर वो बहुत गरीब था। वो जीवन में सफल होकर पैसे कमाना चाहता था। उसका जीवन मुश्किल से चल रहा था। अपने भविष्य में वो पैसे कमाने के बाद एक शानदार कार खरीदने के सपने देखा करता था। वो सड़क पर आती जाती कारों को बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देखा करता था और कल्पनाओं में डूब जाता था। अपनी लगन और मेहनत के बल पर वो एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गया। कुछ वर्षों में उसने शादी भी कर ली। शादी के 2 वर्ष में ही वो एक बेटे का पिता भी बन गया। उसके जीवन में सभी चीजें ठीक हो रही थी, पर कार ना खरीद पाने का उसको अब भी दुख था। उसने कुछ पैसे प्रतिमाह बचाकर कुछ वर्षों में एक कार खरीद ही ली। अपने सपने के पूरे हो जाने के कारण वो बहुत ही प्रसन्न था। वो अपनी कार को संभल कर चलाता और कार की देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से करता था। अपनी कार में वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शान से घूमता था। एक रविवार को छुट्टी के दिन वो अपनी कार को धो रहा था। वो पूरी कार को चमकाने के बाद गाड़ी के टायरों को भी चमकाने लगा। उसका बेटा 6 वर्ष का हो चुका था, वो भी उसके साथ था और घूम घूम कर अपने पिता को कार धोते और चमकाते हुए देख रहा था। पिता की नजर अपने बेटे पर पड़ी। उसका बेटा एक कील से कार के बोनट पर खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा था। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। उस पिटाई में उसके बेटे की एक उंगली टूट गई। वो अपने बेटे की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सका था। जब उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने सोचा कि देख तो ले कि उसके बेटे ने कार की बोनट पर खुरच खुरच कर क्या लिखा था। लिखा हुआ देखते ही उस व्यक्ति के होश उड़ गए। वो व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोने लगा और अपने बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसके बेटे ने कार के बोनट पर लिखा था, पापा आई लव यू। मित्रों, बहुत बार हम क्रोध और अपनी भावनाओं में बहकर बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके कारण हमको बाद में पछताना पड़ता है। कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले हमको पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और सोच विचार कर ही कोई प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। हम कभी भी छोटे बच्चों की भावनाओं को समझने में बहुत गलतियां कर देते हैं। बच्चे तो निर्दोष और मासूम होते हैं और वो अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। उनके कारण अगर कोई छोटी मोटी क्षति हो भी जाए तो उनको माफ कर देना चाहिए और उनको प्यार से समझाना चाहिए। अब कभी भी आपको अपने बच्चों या अपने छोटे भाई बहनों पर गुस्सा है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। पहले पूरी बात समझकर उनको प्यार से समझाइएगा। आप ऐसे करके उनके दिल में जगह बना लेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।